और ये इंस्पेक्टर रैंक के लिए सी एपीएफ के वेटरेंस के लिए है प्रीफरेंस दिया जाएगा जिनके पास डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी का सर्टिफिकेट हो और इसमें बैचलर्स डिग्री चाहिए विद कम से कम तीन साल का एक्सपीरियंस और सिक्सटी परसेंट मार्क्स इन बैचलर्स डिग्री सैलरी अप टू एक लाख सिक्सटी थाउजेंड वन लाख सिक्सटी थाउजेंड इसमें सैलरी रहने वाला है उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी हम लोग डायरेक्ट वैकेंसी में स्विच स्विच कर जाते हैं उसके बाद एक और गवर्नमेंट वैकेंसी है वो मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा तो ये है सिक्योरिटी ऑफिसर का एक सर्विसमैन चाहिए और इसमें सैलरी ऑफर हो रहा है आठ आठ घंटे छब्बीस दिनों की ड्यूटी ऑवर रहेगा अड़तीस हजार पांच सौ उसमें उसके बाद है गनमैन जिनका सैलरी रहेगा अट्ठाइस हजार लोकेशन हैदराबाद का है तो ये कॉन्टैक्ट डिटेल है इनसे आप बात कर सकते हैं इंक्वायरी कर सकते हैं नेक्स्ट है इंडियन एयरफोर्स प्लेसमेंट सेल की तरफ से ये वैकेंसी है और ये केवल

अगर आप ऑफिसर हैं कमीशन अफसर हैं या नॉन कमीशन अफसर हैं एनसीओज हैं तो आपके लिए काफी सारे वैकेंसीज आए हुए हैं तो उसको आप एक बार चेक कर लेंगे मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा इसके अलावा डीजीआर के काफी सारी वैकेंसीज आए हुए हैं तो उसको हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले है नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट ये जितने भी वैकेंसीज डीजीआर वाले हैं ये आपको सोल्जर बोर्ड से नाम फॉरवर्ड होगा तो ये ध्यान रखेंगे इसके लिए कोई डायरेक्टली अप्लाई का प्रावधान नहीं है तो वैसे मेरे हिसाब से मैं अपना व्यू है कि इसमें डायरेक्ट अप्लाई का लिंक होना चाहिए ताकि डायरेक्टली सैनिक अपने मोबाइल से या लैपटॉप से या कंप्यूटर से डायरेक्टली अप्लाई कर पाए आप कहाँ तक सहमत हैं आप अपने कॉमेंट अपने विचार कॉमेंट में व्यक्त कर सकते हैं एक वैकेंसी है इसमें ग्रुप सी का पोस्ट है और ये कानपुर उत्तर प्रदेश के लिए है बाईस नवम्बर लास्ट डेट है उसके बाद नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज इसमें एन यानी मल्टी स्टाफ का वैकेंसी है टोटल नाइन पोस्ट है ग्रुप सी की पोस्ट रहेगी है और इसमें आप सैलरी देख सकते हैं गवर्नमेंट वैकेंसी है तो इसमें अप्लाई होगा आप आपका सिलेक्शन प्रोसेस भी हो सकता है आप किस तरह से होगा वो निर्धारण होगा लेकिन ये गवर्नमेंट का वैकेंसी है तो ये आप ध्यान रखेंगे 22 नवंबर लास्ट डेट है तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं जिला सैनिक बोर्ड से नाम भेजना होगा रिवर इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड इसमें सिक्योरिटी ऑफिसर का वैकेंसी है सिक्योरिटी सुपरवाइजर जूनियर ऑफिसर के लिए एक ही वैकेंसी है और ये है ग्रेटर नोएडा नोएडा लोकेशन के लिए सैलरी इसमें नेगोशिएबल है बाईस नवंबर लास्ट डेट है उसके बाद हिंदुस्तान सिरिंजर्स एंड मेडिकल डिवाइसेस लिमिटेड इसमें रेगुलर वैकेंसी है कंपनी रोल में रहेंगे सिक्योरिटी सुपरवाइजर के लिए बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है दो लोग इसमें वैकेंसी है और ये फरीदाबाद हरियाणा के लिए है तो अगर आप जी हैं या एन हैं आपके पास लीडर्स की लीडर्स की स्किल है और आपके पास कम्युनिकेशन स्किल हिंदी अंग्रेजी का अच्छा है तो आप इसके लिए आवेदन करें दो इसमें पोस्ट हैं और अच्छा इसमें सैलरी भी मिल रहा है सैलरी अराउंड ट्वेंटी फाइव थाउजेंड इसको अच्छा ज़्यादा अच्छा ही नहीं है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड ठीक ठाक है बाईस नवंबर दो हज़ार चौबीस इसमें लास्ट डेट है कैंटीन फैसिलिटी मिलेगा मेडिकल यूनिफॉर्म जी पी ए जी टी आई पी एफ ग्रेचुटी वगैरह जितने हैं जो भी अलाउंसेस इसमें एडिशनल बेनिफिट्स के तौर पर आपको मिलेगा उसके बाद नेक्स्ट है ये मैं ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूं ये कोलकाता में जॉब फेयर है ये है उनतीस नवम्बर दो को तो आप लोकेशन कौन सा है आप देख सकते हैं सॉल्ट लेक आर्मी कैंप तो ये है मैं ऑलरेडी इसको शेयर कर चुका हूँ अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल्स पे तो जो भी हमारे कोलकाता का पूर्व सैनिक हैं इसका लाभ उठा सकते हैं उसके बाद नेक्स्ट है ये सबसे इंपॉर्टेंट वैकेंसी है बिहार राज्य के पूर्व सैनिकों के लिए सीरियल नंबर सिक्स बिहार राज्य एंड जिला सैनिक बोर्ड इसमें ऑफिस अटेंडेंट एंड वॉचमैन का वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया हुआ है अब इसके लिए आवेदन कैसे करेंगे अभी ये अधिसूचना जारी हुआ है तो चलिए पहले आपको मैं अधिसूचना ही दिखा देता हूँ उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे तो ये रहा इसका अधिसूचना गवर्नमेंट ऑफ बिहार होम डिपार्टमेंट यहाँ पे ऑफिस अटेंडेंट एंड वॉचमैन का वैकेंसी है जो कि जिला कल्याण निदेशालय और जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में पदस्थापित होंगे वहाँ पे इनका ड्यूटीज़ होंगे तो ये पूरे पैन बिहार के लिए है पूरे बिहार में अब टोटल वैकेंसीज अभी कितने होंगे सैलरी वगैरह एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स हैं काफ़ी सारे इसमें हैं तो ये आप देख लेंगे इसको मैं ये अपने टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप कम्युनिटी पर शेयर कर दूँगा वहाँ आप इसको चेक कर लेंगे पूरा डिटेल्स में यहाँ पर दिया हुआ है यहाँ पर क्या क्या उनके लिए प्रावधान रहेगा और किस तरह से वहाँ पे उनका प्रमोशंस वगैरह सब कुछ दिया हुआ है तो पूर्व सैनिक जितने बिहार के हैं मैं पहले से भी आपको बताया था कि आप लोग अपनी तैयारी पे फोकस करें काफी सारे वैकेंसीज आपको देखने के लिए मिलेंगे जैसे बीएमपी 16 है स्पेशल ऑक्सिलरी पुलिस बिहार पुलिस के लिए भी वैकेंसीज आएंगे बिहार पुलिस कैडर एस और कॉन्स्टेबल वगैरह के लिए भी, भी, के लिए भी, लिए भी आपको वैकेंसीज मिलेंगे अगर आप पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आप बीपीएससी में भी फिल कर सकते हैं काफी सारे आपको वैकेंसीज मिलने तो उसका पहला ये चरण आपके सामने यहाँ पे इसके नोटिफिकेशन के तौर पे आपको मिल गया है तो आप अपने तैयारी पे रहें बाकी इसमें अप्लाई जैसे ही होने लगेगा आप अपने जिला सैनिक बोर्ड से संपर्क भी कर सकते हैं अगर उनके पास ये लेटर पहुँच गया होगा तो और तैयारी पर फोकस करें जैसे ही इसका अप्लाई चालू हो जाएगा ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो मैं आपको जरूर सूचना दूंगा आप चैनल पर बने रहेंगे चैनल को रेगुलर फॉलो करते रहें रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट वेलफेयर अपडेट्स और जॉब अपडेट्स मिलते रहते हैं तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत टेलीग्राम एप्लीकेशन अगर आपके पास नहीं है तो आप व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है परेशानी होती है तो आप कॉमेंट कर सकते हैं मैं आपको उसका लिंक भेज दूंगा थैंक्स फॉर वॉचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में